क्या आपको भी चाहिए था एक परफेक्ट 1080p गेमिंग पीसी कुछ इस तरह का, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। आज इस वाली वीडियो में हम 75,000 से लेके 80,000 रुपीस के बीच बनाएंगे एक परफेक्ट 1080p गेमिंग पीसी। एंड ये वाला जो गेमिंग पीसी है इसमें हमने ये सारे पार्ट्स यूज किए हैं। ये वाला पीसी जाने वाला है छत्तीसगढ़, एंड जिसके लिए ये पीसी है वो भाई साहब का नाम है अभिमन भाई, जो कि रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। तो इनकेस अगर आपको भी कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना था, तो अब आप आपका गेमिंग पीसी हमसे ही बनवा सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से जाके मैसेज करके आप प्रॉपर डिस्कशन करके अपने लिए एक ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी बनवा सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। तो पर्पस की बात की जाए दोस्तों, तो ये वाला पीसी एक ऑलराउंडर पीसी होने वाला है। इसको हमने यार गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग तीनों ही कामों के ध्यान में रखकर बनाया है। एंड इस वाले पीसी में भाई लुक्स के साथ साथ हमने परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लुक्स आप देख ही सकते हो, बाकी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे हम एक RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। तो पार्ट्स की बात करें तो भाई एज यूजुअल आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका 12th जनरेशन का i5-12400F CPU, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। एंड यहाँ पे आपको DDR5 RAM सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि भाई DDR4 RAM सपोर्ट भी दिया गया है। तो जो लोग बजट में गेमिंग करना चाहते हैं वो लोग DDR4 को प्रीफर करें। जिनको भाई एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आप DDR5 के साथ जा सकते हो। सैडली ये वाले प्रोसेसर की प्राइसेस यार अभी रिसेंटली बढ़ गई हैं, तो अब ये वाला प्रोसेसर आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। नई प्राइसेस की बात करूं तो 16,500 के आसपास आप इसको परचेस कर सकते हो। ऑलराउंडर गेमिंग सीपीयू है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर चाहे आपको करनी हो गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग, तीनों ही काम आप एकदम धड़ल्ले से इसके ऊपर कर सकते हो एक बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड पेयर करके। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा ग्राफिक कार्ड। तो जैसा कि मैंने कहा था, यहां पे हमने एक RTX सीरीज ग्राफिक कार्ड यूज किया है, जो कि है Inno3D का उनका RTX 3060, 12GB VRAM के साथ आता है। एंड ट्रस्ट मी यार, 1080p पे तो आपको एकदम बढ़िया से FPS निकाल के दे देगा अल्ट्रा सेटिंग्स पे। अगर वहीं अगर आप चाहो तो 1440p पे भी गेमिंग कर सकते हो, अगर आपके पास 2K वाला मॉनिटर है तो। बाकी यार ज़्यादातर लोग इसको 1080p गेमिंग के लिए ही लेते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप 2K वाला मॉनिटर ऑन करते हो तो यार आप 1440p पे भी गेम्स प्ले कर पाओगे अच्छे खासे एंजॉयबल FPS पे। ठीक ठाक से FPS निकाल के दे देगा 1440p पे, बट 1080p पे तो भाई बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपका होगा, मजा आ जाएगा यार गेमिंग करते टाइम। मतलब मैंने थोड़े बहुत गेम्स खेल के देखे, ट्रस्ट मी मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, गेमिंग एक्सपीरियंस था, वो एक नंबर था। एकदम उंधा गेमिंग एक्सपीरियंस होता है आपका। एंड इतना ही नहीं भाई, इसके साथ आप आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, तो एक ऑलराउंडर ग्राफिक कार्ड इसको आप कह सकते हो। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 35,000 के आसपास मिलेगा, 33,000 से लेके 35,000 के आसपास। एंड अगर ये वाला ग्राफिक कार्ड या फिर इस वाले पीसी में हम जो भी पार्ट यूज कर रहे हैं उनमें से आपको कोई भी पार्ट परचेस करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप जाके पार्ट्स परचेस कर सकते हो। उससे परचेस करोगे तो भाई चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारा मदरबोर्ड। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हमने यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला उनका प्रो H610M मदरबोर्ड, जिसके अंदर आपको 2 RAM स्लॉट, NVMe SSD का स्लॉट मिल जाता है, नॉर्मल से VRM सेक्शन है। अब अगर आपको फ्यूचर में प्रोसेसर अपग्रेड नहीं करना था, आपका बजट था कम, आपको इंटेल का i3 12 जनरेशन का 12100F या फिर 12400F ऐसे CPU को चलाना था बजट में रह के, तब आप H610 मदरबोर्ड ले सकते हो। हालांकि भाई ये भी सस्ता नहीं है, 7,000 के आसपास मिलेगा, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। वहीं अगर आप AMD में PC बनाते हो ना, तो आपको 7,000 रुपीज़ में एक डिसेंट सा B450 चिपसेट मिल जाता है। तो यार मदरबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मतलब प्राइसेस ज़्यादा है 12th जनरेशन में, बाकी हो सकता है फ्यूचर में कम हो, देखते हैं। तो ये वाला मदरबोर्ड कंसीडर कर लेना अगर आपका बजट कम था। बजट ज़्यादा है तो भाई एटलीस्ट एक B660 चिपसेट ले लेना, जो कि 11-12 हज़ार में आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 ही RAM स्लॉट मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऑलराउंडर पीसी होने वाला है। एंड यहाँ पे यार मदरबोर्ड जो यूज़ किया है वहाँ पे खाली 2 ही RAM स्लॉट था। इसके लिए फिलहाल हमने यहाँ पे 16GB की एक सिंगल स्टिक लगाई है XPG की, नॉर्मल RAM है, RGB RAM नहीं है। अब 16GB की सिंगल स्टिक लगाने का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर और RAM बढ़ाना हो तो एटलीस्ट एक 16GB की और सिंगल स्टिक ऐड करके टोटल 32GB का लुत्फ उठा सके आसानी से, क्योंकि मदरबोर्ड में भाई 2 ही RAM स्लॉट है। इसीलिए 16GB की सिंगल स्टिक लगाइए। बाकी फ्यूचर में अगर आपको रैम अपग्रेड नहीं करना था, मैक्स आप 16GB यूज करने वाले थे, तो आप 8-8GB का 2 रैम लगा सकते हो, जो कि आपको सेम प्राइस पे मिल जाएगा। एंड एट द एंड स्टोरेज की बात करें तो यहां पे हमने कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं लगाया है, ओनली 1TB की NVMe SSD लगाई है किंगस्टन की। अब 1TB भाई मोर देन इनफ रहेगी। यहां पे हमने यार टोटल 3 पार्टीशन कर दिया है। एक 250GB का हमने पार्टीशन कर दिया है विंडोज के लिए, यानी कि सी ड्राइव के लिए।
सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं तो उसमें आप कर लेना। बाकी के दो पार्टीशन यहाँ पे हमने आपके मूवीज एंड गाने वाने स्टोर करने के लिए छोड़ दिए हैं। गेम्स भी थोड़े बहुत यार आप लोगों को इंस्टॉल करके दे दिए जाते हैं हमारी तरफ से। बेंचमार्क्स निकालते हैं तो यार हम वो वाला जो गेम यूज करते हैं वो वहीं पे छोड़ देते हैं। आप लोग भी यार थोड़े बहुत मौज कर सको, मतलब प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो जाएगा। पीसी आपके घर पे पहुंचता है प्रॉपर पैकिंग वैकिंग होके, एंड उसके बाद आपको खाली खोलना है, वायर लगाना है, पावर देना है, मस्त यार उसके बाद गेमिंग का मजा उठाना है। अब लास्ट में यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट बचे हैं। सबसे पहले तो यार पावर सप्लाई, पूरे बिल्ड को पावर देने के लिए भाई एक पावर सप्लाई तो चाहिए, ऑटोमेटिक तो चलेगा नहीं। तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्यूचर को ध्यान में रख के पीएससी लगाया है। यहाँ पे हमने एक 750 वोल्ट का पीएससी यूज किया है कूलर मास्टर का, जो कि भाई फुल्ली मॉड्यूलर पीएससी है। अब ये वाला जो पीएससी है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। अब देखो ये वाला पीएससी हमने इसलिए लगाया क्योंकि फ्यूचर में अगर भाई ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहे, प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहे, कुछ भी अपग्रेड करना चाहे, तो उनको यार मतलब तब पीएससी चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड 750 वोल्ट मुझे पता है कि यार इस वाले बिल्ड के लिए थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है, एक 550 या 650 वोल्ट से भी हमारा काम चल जाता। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा फ्यूचर में ध्यान में रख के हमने ये वाला पीएससी यूज किया है। एंड इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी है यार, ये आपको अराउंड 8000 के आसपास मिलेगा, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। अगर आप नॉन मॉड्यूलर लेते हो ना तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, पर मॉड्यूलर होने की वजह से यार इसके अंदर आपको जो केबल्स चाहिए ना भाई वही केबल आप लगाओ, बाकी के फालतू केबल निकाल लो। तो केबल मैनेजमेंट एक नंबर का होगा पीछे, साथ ही साथ में एकदम क्लीन लुक अचीव कर पाओगे आप एक मॉड्यूलर पीएसयू के साथ साथ। एंड देखने भी यार अच्छा खासा मतलब बिल्ड निकल के आता है। बाकी आप चाहो तो यार 550 या तो एक 650 वोल्ट का पीएसयू भी लगा सकते हो, एंड बाकी जो पैसे बचते हैं ना उनको किसी और पार्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक बढ़िया सा AIO लगा लो, या तो एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर लगा लो, ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो अपनी बूस्ट क्लॉक्स को आसानी से अचीव कर पाए। हालांकि स्टॉक कूलर पे भी आपका काम चल जाएगा अगर आपका बजट कम था तो। अब लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे बचा है हमारा कैबिनेट। एंड ट्रस्ट मी यार, आप लोगों में से कितने लोगों को लगा कि ये भाई सिल्वरस्टोन का फारा आर1 है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फारा आर1 प्रो सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है, बट भाई ये वाला जो केस है ना ये अलग केस है। ये है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका ICE 110 कैबिनेट, जो कि अभी के टाइम पे आप लोगों को काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देखने मिल जाता है। ये आपको 3300 से लेके 3500 के आसपास देखने मिल जाएगा, जो कि यार बना देता है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई चार यहाँ पे आपको ऑटो RGB फैन देखने मिल जाते हैं, देख रहे हो, देखने में यार एकदम मस्त लगता है, मतलब लग रहा है किसी एंगल से कि भाई 3,3500 रुपये में आने वाला कैबिनेट है। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, और सुनो, टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाता है, PSU श्राउड देखने मिल जाता है, ऊपर मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है, टॉप पे AIO भी माउंट कर सकते हो। तो ओवरऑल यार फ्रंट में मैच डिज़ाइन भी दिया गया है, एंड भाई साहब मतलब एयर फ्लो वाइज भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको 3500 के आसपास कोई कैबिनेट चाहिए था ना तो इसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी है। बाकी मैं सोच रहा था कि यार इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि 3500 में काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू ऑफर करा देता है। तो आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ICE 110 के ऊपर, यानी कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ये जो केस है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट करना। एंड डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर ज़्यादा कमेंट आए, मतलब एटलीस्ट यार 50-100 कमेंट आए ना, तो डेफिनेटली एक वीडियो आएगा जल्दी ही। बाकी इसी के साथ ये वाला जो PC है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर कोई ऐसा PC बनवाना था तो भाई Instagram ID पे मैसेज कर लेना, मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में आगे। तब तक यार आप लोग बिल्ड का मॉन्टाज देख लें। Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? We'll be right back.
they wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला पीसी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छे लगी हो तो यार लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे भाई डेली आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।